Welcome to this math session, students. In previous math session, we just started your method of substitution, जिसमें 22.2 के हमने कुछ questions देखे थे और वो method को भी हम समझ रहे थे. अब वो method के base पे से और वो questions जितने हमने देखे थे उसके base पे आपको in class exercise और homework में जो भी doubt है, please type in chat box. We are going to discuss those doubts. Okay? So Jitendra को doubt है homework question 6 और 7. उसके अलावा और किसी ने कुछ लिखा नहीं है. ओके, होमवर्क 5th अमिश, देन तो होमवर्क के 3 क्वेश्चंस में इंपोर्ट करता हूं. इसके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं, आई गेस. ओके, इजी है तो वेल एंड गुड. और हम बहुत सारी चीजें भी यहां पे आज हम नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं. IC5. ओके साम्य, रुको यहाँ पे. अभी होमवर्क 5, 6, 7 आईसी के 5th वाले में वो सेकेक से रिलेटेड है, तो उसमें डायरेक्ट जो फॉर्मूला था वही अप्लाई कर दिया. ओके, वहाँ सेक 5x प्लस 4 था तो बस वो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया उसको. ओके, हाँ, दैट इज फाइन. सो आईसी क्वेश्चन 5 आल्सो विल सी. चलो तो ये होमवर्क वाले देख लेते हैं क्विकली. Can you see this homework question number 5 on screen, everyone? Right. अब यहाँ पे आपको दिया गया है इंटीग्रल e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x. इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको कुछ सोचना हो तो वो ये सोचना है कि क्या इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है. इसकी आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. दूसरा, जैसे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होना चाहिए, क्या आप इसमें जुगाड़ करके सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो या आगे पीछे ऊपर नीचे करके कुछ ऐसा फॉर्म ला सकते हो जिसका इंटीग्रेशन हो सके ये डिवीजन फॉर्म में. तो डिवीजन फॉर्म में मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो. बट अगर आप ध्यान से सोचें तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा. ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन होगा कि नहीं, हाँ या ना? से e to the power minus x into minus 1 होगा. Please give me some response. Yes or no, everyone. I want response from all of you. Mansi, आपका homework हो गया. तो जो denominator है उसका differential आपका exact numerator में, exact dx के बगल में है. Right. So just you can take here e to the power x plus e to the power minus x as t. Differential of e to the power x will be e to the power x. E to the power minus x का e to the power minus x into minus 1. X का differentiation dx. t का differentiation dt. So therefore e to the power x minus e to the power minus x dx is equal to dt. तो आपका I हो जाएगा integral e to the power x minus e to the power minus x dx is dt by t 1 upon t ln mod t plus c is equal to ln mod e to the power x plus e to the power minus x plus c. और यहां से आप mod remove कर सकते हो क्योंकि e to the power x तो always positive ही होगी, हाँ या ना? e to the power x तो कभी आपकी negative होने ही वाली नहीं है. So here you can easily remove your mode. यहाँ तक clear है? Okay. Now next question. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6, x टू द पावर माइनस 2/3 1 प्लस x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 4 dx अब यहां आप देख के ही पता लगा सकते हो कि अगर आप x टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आती है और पावर में एक का माइनस होता है. जब आप 1/3 माइनस 1 करोगे 1-3 वो -2/3 हो जाएगी, हाँ या ना? एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? तो ये आपका 1-1/3 दैट विल बी योर -2/3. अब इसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंस एक्स टू द पावर 1/3 के आगे 1 है, उसको भी अगर आप साथ में टी में ले रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा. सो हियर लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0,
ये हो जाएगा आपका 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज -2/3 डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। हमें वैल्यू चाहिए एक्स टू द पावर -2/3 डीएक्स की, सो एक्स टू द पावर -2/3 डीएक्स विल बी इक्वल टू 3 dt। सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल टी टू द पावर 4, ये पूरा हो जाएगा टी टू द पावर 4 एक्स टू द पावर -2/3 डीएक्स विल बी 3 dt। 3 बाहर, t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5/5 प्लस c, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 3/5, t आपका होता है 1 प्लस x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 5 प्लस c। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, आसान वाले क्वेश्चंस हैं, डाउट क्लियर हो रहा है ना अमिश जितेंद्र? क्वेश्चन 7 आपका लेवल 2 वाला था, इवेल्युएट इंटीग्रल 4 ई टू द पावर एक्स -25 अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स -5। तो ये तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी अपॉन सी ई टू द पावर एक्स प्लस बी, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट, जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपके फॉर्मूला बुक में देखे थे एज वेल एज इसके हम क्वेश्चंस भी कर चुके थे। तो यहाँ पे आपको एफ बाई जी वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 ई टू द पावर एक्स -25, g of x is equal to 2 e to the power x minus 5. So let us take f of x is equal to a g of x plus b g dash x, जहाँ पे हम a और b को find करेंगे। अभी f of x is nothing but 4 e to the power x minus 25, g of x 2 e to the power x minus 5, g dash x 2 e to the power x e to the power x minus 5 का हो जाएगा 0। 4 e to the power x minus 25 is equal to 2 a e to the power x minus 5 a plus 2 b e to the power x, 4 e to the power x minus 25 is equal to 2 a plus 2 b e to the power x minus 5 a। So by comparing coefficients, 2a plus 2b will be equal to 4 and minus 5a will be equal to minus 25. A आपको मिल जाएगा 5, okay सामने। Pi यहाँ पे रखेंगे, pi 2s are 10 plus 2b equal to 4. 2b will be equal to 4 minus 10 that is minus 6. B will be equal to minus 3. आपको पता ही है यहाँ पे जब i में इंटीग्रल f ऑफ x बाई g ऑफ x में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा a 1 का इंटीग्रल x प्लस b ln mod g ऑफ x प्लस c। a हमारे पास है 5, b है -3 ln। अब g ऑफ x आपका है एग्जैक्टली 2 e टू द पावर x -5 प्लस c। यहाँ पे mod रखना जरूरी है बिकॉज 2 ई टू द पावर एक्स कुछ वैल्यूज के लिए वो 5 से कम भी हो सकता है। चलो क्लियर है, आसान है, राइट? अमिश जितेंद्र जाए नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट? एंड सामने आपका एन क्लास एक्सरसाइज का 5th ऑलरेडी क्लियर हो गया है, तो एन क्लास एक्सरसाइज का आपका 5th sec 5x plus 4, राइट? इट इज नथिंग बट sec ax plus b ओनली। चलो अब इन क्लास एक्सरसाइज में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी थे? इन क्लास एक्सरसाइज में हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? आई थिंक 1, 2, 3, 4 चार ही किए थे, राइट? तो 5th आपको होमवर्क में दिया था, तो 6th से शुरू करते हैं। जैसे नई थियरीज की जरूरत पड़ेगी वैसे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे हम करते जाएंगे। लेवल 3 भी किया था सर। हाँ लेवल 3 के 2 किए थे ना, राइट? हाँ ओके, सो लेट अस सी
क्वेश्चन नंबर सिक्स, इवेल्युएट इंटीग्रल रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अगेन जुगाड़ आपको लगाना है, डिविजन बेस्ड क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ऐसा तो यहाँ पे क्या जुगाड़ किया जाए कि इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। यहाँ पे हमारे पास न्यूमिरेटर बाई डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी दो का प्रोडक्ट है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हम सोच भी नहीं सकती। कैन वी थिंक ऑफ समथिंग एल्स? रूट टेन है, नीचे साइन बाई कॉस है। अगर मान लो नीचे कहीं से टेन आ जाए तो एक एक रूट टेन आपका पहले कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट टेन का हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट टेन एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो टेन का डिफरेंशियल डीएक्स के बगल में होना चाहिए। टेन का डिफरेंशियल क्या होता है? ये सब करने की जरूरत ही नहीं है सर, यहाँ पे टेन एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो sec x tan x आ जाएगा, रूट sec x tan x, तो उसके बाद ठीक है, लेट अस सी दैट। अगर रूट टेन एक्स को मैं अगर रूट साइन बाई कॉस लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास साइन है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कॉस है, तो ये एक एक रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट साइन इंटू कॉस, यही बोल रहे थे ना अभिराम, राइट? यहाँ पे वन अपॉन कॉस है, वन अपॉन कॉस को ज्यादा से ज्यादा मैं सेक एक्स लिख सकता हूँ। अब आगे कैसे सर? वो एक्चुअली टेक योर टाइम, आराम से। आपने कुछ sec x into tan x मुझे समथिंग बोला, राइट? रूट sec x into tan x, ठीक है? हाँ, यस, विवेक इज टेलिंग सर वी कैन रैशनलाइज tan x। रैशनलाइज tan x मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हो विवेक हम रूट tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे लाइक दैट, राइट विवेक? तो रूट tan into रूट tan आपका हो जाएगा टेन एक्स अपॉन साइन कॉस, ये रूट टेन एक्स रहेगा डी एक्स। अब टेन आपका साइन बाई कॉस होता है, एक एक साइन कैंसिल हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स टू कॉस एक्स रूट टेन एक्स, एक एक साइन कैंसिल, ये आपका हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर। वन अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी नथिंग बट sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रूट टेन एक्स। अब कुछ कर सकते हैं, सोचो रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन। ओके ओके अभिराम, नो प्रॉब्लम, यस विवेक, जस्ट टेन एक्स का उस टर्म को हम टी लेते हैं ऑलवेज जिसका डिफरेंशियल dx के बगल में हो, sec स्क्वायर x, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेन एक्स का डिफरेंशियल है sec स्क्वायर x। तो जो विवेक ने सोचा यहाँ पे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि अगर हम रूट टेन एक्स को रैशनलाइज कर देते हैं वहां से हो जाएगा, या फिर रूट टेन एक्स से आप डिनोमिनेटर में अगर टेन एक्स लाने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आप कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, रूट टेन बाई टेन रूट बच जाएगा, और ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मान लो रूट टेन की जगह आपको रूट कॉट दिया है, वो टाइम पे आप क्या करोगे? सेम प्रोसीजर और नॉट, टेल मी। जैसे यहाँ पे आपने रूट टेन को रैशनलाइज किया तो आप यहाँ पे रूट कॉट को रैशनलाइज करोगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट, सो मैं आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, जैसे ऐसे ये सिमिलर क्वेश्चंस आप साथ में कर सकते हो। सो फॉर हियर जस्ट यू नीड टू रैशनलाइज सेम प्रोसेस रूट कॉटेक्स, वहां पे डिनोमिनेटर में आपका रूट कॉटेक्स आ जाएगा, राइट? एंड वो कॉटेक्स आपका कॉस बाई साइन कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन बाई साइन स्क्वायर कॉस एक्स पर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे इफ टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी, सो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी प्लस सी रेस टू रूट टेन एक्स प्लस सी।
बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, आया ना, लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझ लो, राइट। रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। रूट कॉट में आपका बस सेम इसी टाइप से होगा, डिनोमिनेटर में रूट कॉट बचेगा, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। बट कॉट को जब आप टी लेते हो तो कॉट का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो माइनस डी टी मिलेगा, तो यहाँ पे बस आपका आंसर आएगा माइनस टू रूट टी प्लस सी माइनस टू रूट कॉट एक्स प्लस सी, राइट। ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है एवरीवन? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट इंटीग्रल x टू द पावर 5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस x क्यूब टू द पावर 2/3। ये 1 प्लस x क्यूब की जगह अगर कुछ और होता, सिर्फ नॉर्मल x होता और उसकी पावर 2/3 होती, तो उसको हमें इवेल्युएट करना आता है। इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी टू द पावर n हम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर x क्यूब की जगह सिर्फ नॉर्मल x हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बस हल्का सा सोचोगे आपको पता चल जाएगा। बोलो क्या सोच सकते हो? बाहर x टू द पावर 5 है, जो प्रॉब्लम है अंदर वाला x क्यूब है। अगर x क्यूब को मैं t ले रहा हूँ, सपोज मैं x क्यूब को t ले रहा हूँ, तो x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होना चाहिए, राइट। 3x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt, मतलब dx के बगल में x स्क्वायर होना चाहिए। बट बिसाइड्स dx वी आर नॉट हैविंग x स्क्वायर, वी आर हैविंग x टू द पावर 5, राइट। देन x टू द पावर 5 को मैं अच्छे से लिख सकता हूँ x क्यूब इंटू x स्क्वायर dx। Am I correct, students? हाँ या ना? जहाँ पे x cube आपका t हो जाएगा and x square dx को आप dt by 3 लिख सकते हो। Am I correct? हाँ या ना? हाँ सर। पहले प्रॉब्लम समझ रहे हो ना कि प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये x cube की वजह से हम उसको इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो अब अगर x cube को ही t ले रहे हो तो उसके साथ 1 है, उसको भी साथ में ही ले लेते हैं, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन भी तो 0 ही हो जाएगा ना। Students, are you getting my point? पकड़ना कैसे वो पता चल रहा है ना, राइट। हाँ यस, रोहित सेलिंग सर, कैन बी मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट विद बोथ द टर्म्स एंड देन इंटीग्रेट? कौन से क्वेश्चन में? ये यहाँ पे एक्सपोनेंट इधर 2/3 को दोनों से मल्टीप्लाई करने का ऐसा बोल रहे हो रोहित? हाँ, तो वो तब होगा जब बीच में प्लस नहीं हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो या माइनस हो, राइट। जब आपका बीच में मल्टीप्लीकेशन हो या डिविजन हो, माइनस बोल दिया गलती से, तब बाहर जो पावर है उसको आप दोनों टर्म को दे सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 2/3 आपको दोनों को मिल जाएगी, प्लस माइनस में नहीं होता है। यहाँ पे तो आपका मल्टीनोमियल थ्योरम लग जाएगा, राइट, एक्जेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का वो एक्सपांडेड वर्जन, सो दैट विल बी एप्लीकेबल हियर, क्योंकि बीच में प्लस है। प्लस माइनस के लिए फिर आपके वो थ्योरम लग जाते हैं, क्लियर है? सो हियर लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर dx will be equal to 1/3। वही सेम चीज यहाँ पे हमने रफ में सोची थी। सो नाउ I will be equal to integral, थोड़ा यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं, ये x क्यूब, ये 1 प्लस x क्यूब टू द पावर 2/3 into x square dx। चलो अब इधर ध्यान दो, मैंने बोला था जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसके बाद इंटीग्रेशन में सभी जगह आपको t दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह पे तो आप t रख दोगे, दिस विल बी योर t टू द पावर 2/3। व्हाट अबाउट x क्यूब? x क्यूब की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? कैन आई से दैट x क्यूब विल बी, यस, t minus 1, राइट। एंड अगर यहाँ पे कोई मुझे पूछ रहा है कि सर अगर हम x क्यूब को ही t ले लें और यहाँ पे 1 प्लस t रखें टू द पावर 2/3, व्हाई नॉट, राइट, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट उसमें एक जगह पे आके फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे यहाँ पे आपका t आ जाएगा 1 प्लस t टू द पावर 2/3, फिर वहां पे आप स्टक हो जाओगे, वहां पे आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हाँ या ना? क्योंकि ये प्रोडक्ट हो जाएगा टी का और 1 प्लस टी टू द पावर 2/3, एंड 1 प्लस टी टू द पावर 2/3 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो एक्स स्क्वायर डीएक्स विल बी डी टी बाई 3। ये एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, विच इज डी टी बाई 3। 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, 1/3
इंटीग्रल टी टू द पावर 2/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी टू द पावर 1 प्लस 2/3 माइनस टी टू द पावर 2/3 डीटी, I इज इक्वल टू 1/3 टी टू द पावर, पहले कर लिख देते हैं, ये 1 प्लस 2/3, 3 1 सा 3 प्लस 2, 5/3, 5/3 का इंटीग्रेशन, 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 माइनस टी टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन सबको? राइट, जस्ट मैंने यहाँ पे किया। अब सिंप्लीफाई भी करते हैं और टी की वैल्यू भी रखते हैं, टी इज नथिंग बट योर 1 प्लस एक्स क्यूब, सो इट इज इक्वल टू 1/3 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 5 प्लस 3 8/3 अपॉन 8/3 1 प्लस एक्स क्यूब, नहीं ये हाँ दिस इज 5/3 अपॉन 5/3 प्लस सी। जब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 8/3 अपॉन 8 माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 5/3 अपॉन 5 प्लस सी। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? आया ना? ओके, कोई डाउट है? नाइस क्वेश्चन, टेल मी, बोथ दिस क्वेश्चंस आर नाइस। चलो इसे फटाफट आप नोट डाउन कर दो। इवेल्युएट इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। अब आर्यन डायरेक्टली हमने ऐसे वाले टाइप नहीं देखी है, बट हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ सर, एक आइडिया आया है, वही कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सॉल्व हो रहा है। यस राइट, हाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ एवरीवन? हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। एंड लास्ट टाइम ये वाले क्वेश्चन के लिए ऐसा ही था या दूसरा क्वेश्चन था, आई नीड टू चेक। तमोजित ने एक और दूसरी मेथड भी सजेस्ट की थी, बट उससे पहले जब भी आपके पास ऐसे फॉर्म हो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर एम है प्लस एक्स टू द पावर एन है, या पर्टिकुलरली वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए मैं ऐसा बोलूँ एक्स टू द पावर ए बाई बी है और एक्स टू द पावर सी बाई डी है, 1 अपॉन या कुछ भी कॉन्स्टेंट अपॉन है, राइट? तो ये टाइम पे आप एक काम कर सकते हो, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू टेक एक्स टू द पावर एलसीएम ऑफ a by b comma c by d as t. Are you getting my point everyone? जब भी ऐसे type के question होंगे, मतलब this is your type, जैसा मैंने आपको बोला था कि हमें particular कुछ types याद रखनी है, square root x को x to the power half लिख सकते हैं ना। समर्थ आपने क्या बोला वो मुझे पता नहीं चला, dx 2 बार मैंने लिख दिया है, okay my mistake. So 1 upon x to the power a by b, जैसे हमने वो type को identify किया था, a sin x plus b cos x upon c sin x plus b cos x, a e to the power x plus b upon c e to the power x plus d, उसी तरीके से अगर आपके पास ये वाली टाइप है 1 upon x to the power a by b plus x to the power c by d, again 1 upon x to the power a by b plus x to the power c by d, मतलब x के ऊपर आपके पावर फ्रैक्शन में है, तो वो टाइम पे आपको लेना है x to the power lcm of a by b comma c by d as t, right? हाँ रोहित, वो अभी पता चल जाएगा वो lcm का यूज क्या है। एलसीएम का यूज आपको पता चलेगा इसको रिमूव एग्जैक्टली ये 1/2 एंड 1/3 को रिमूव करने में वो काम आ जाएगा, एज वेल एज डीएक्स का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। सी जैसे व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 और व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, फर्स्ट टेल मी। 6 यस, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, सो यू नीड टू टेक एक्स टू द पावर 6 एस टी, राइट? यहाँ पे लिखने में मैंने थोड़ा गड़बड़ी किया, let us generalize it more. इसे मान लो ये आपका 1/m है, 1/n है, so you need to take x to the power LCM of m comma n. 1/m और 1/n हो, आपको x की पावर लेनी है m और n का जो LCM आएगा वो। इससे फायदा क्या होगा,
जब आप एक्स टू द पावर सिक्स यहाँ पे रखोगे, एक्स टू द पावर सिक्स को आपको टी रखना है, करते हैं वन बाई वन राइट, और यू नीड टू टेक एक्स एस टी टू द पावर सिक्स, यस टी टू द पावर सिक्स, माय मिस्टेक सर, वो यही क्या सर, हाँ जो पहले मैंने लिखा था वो सही लिखा था एग्जैक्टली, टी टू द पावर एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन, ओके हाँ यस जितेंद्र, माइनस में भी यही आएगा, अगर बीच में ये प्लस की जगह माइनस है देन ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई द सेम थिंग, तो dx आपका हो जाएगा 6t टू द पावर 5 dt, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाय 1, तो i आपका हो जाएगा इंटीग्रल dx की जगह आप लिख सकते हो 6t टू द पावर 5 dt अपॉन x टू द पावर हाफ, x की जगह आप रखोगे t टू द पावर 6 उसके पावर हाफ, प्लस अगेन x की जगह आप रखोगे t टू द पावर 6 उसके पावर 1 बाय 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रल 6t टू द पावर 5 dt। अब देखो रोहित एलसीएम का क्या फायदा हुआ, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन में पावर थी वो इंटीग्रल पावर आ जाएगी, यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना राइट। अब आपको ये सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन हम आगे कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे टी टू द पावर फाइव है, यहाँ पे टी क्यूब है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा वन प्लस टी, यहाँ पे आपका सिक्स टी टू द पावर फाइव टी टी, ये टू कैंसिल हो जाएगा, सिक्स टी क्यूब is equal to integral 6t cube 5 minus 2 will be 3 1 plus t dt, am I correct, please give me some response, हाँ या ना right, हाँ सर, चल अब कैसे कर सकते हैं, अब समझ रहे हैं, इसके बाद 6 बाहर लेके plus 1 minus 1 करके दो terms कर देंगे तो हो जाएगा, ओके हाँ सर मेरा ऐसे हो जाएगा, एग्री, यहाँ पे मैं एक और रूल आपको देता हूँ, जब भी p ऑफ x बाई q ऑफ x हो आपके पास राइट, ये सब मैं फॉर्मूला बुक में भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे सारी चीजें, वेन एवर यू आर हैविंग p ऑफ x बाई q ऑफ x, वन पॉलिनोमियल बाई अनदर पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे वो t में है उसी तरीके से x में, यहाँ पे आपके पास दो चांसेस होंगे, दो मेथड्स होंगी, दो टाइप होंगे, पहला डिग्री ऑफ p इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q या इक्वल टू भी हो सकता है, डिग्री ऑफ पी इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पी की डिग्री क्यू की डिग्री जितनी सेम होगी या ज्यादा होगी, पी की डिग्री क्यू की डिग्री से कम, एक्चुअली विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते विदाउट, ठीक है उसके ऊपर भी आते हैं अभिराम, ये पहले इधर खत्म कर देते हैं, डेफिनेटली फिर वो वाला भी देखेंगे, चलो जब भी ये वाला जो आप मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉलिनोमियल वाला, ये पॉलिनोमियल वाला आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको दो पॉलिनोमियल मिली ऊपर और नीचे, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दो बड़ी पॉलिनोमियल मिलेंगी राइट, तो जब भी न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री जितनी हो या उससे ज्यादा हो, यू नीड टू सेट डिनोमिनेटर इन न्यूमिरेटर, सेट क्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स, ऑन द अदर हैंड जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिरेटर की डिग्री से कम होगी, सॉरी न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी, ट्राई टू सेट क्यू डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स इन पी ऑफ एक्स, ठीक है फिर ओके चलो, क्या ये चीज पता ये भी एक आपके दूसरे टाइप है, जैसे मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन में हम कुछ कुछ टाइप्स याद रखेंगे कि ऐसे वाले टाइप में ऐसा करना है, ऐसे वाले टाइप में ऐसा करना है, और ये सब आपके फॉर्मूला बुक का पार्ट होंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट, जो जैसे जैसे हम जिस जिस क्वेश्चन के अक्रॉस आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको सारी मेथड क्लियर करता जा रहा हूँ, क्या ये चीज क्लियर है, You can tell me yes everyone, हाँ या ना, हाँ सर, चलो तो ये अब आपका हो जाएगा इंटीग्रल 6 हम बाहर निकाल देते हैं, टी क्यूब है यहाँ पे टी प्लस वन है तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट करने के लिए मैं प्लस वन माइनस वन कर रहा हूँ पहले, अपॉन टी प्लस वन ऑलरेडी है, सो दिस विल बी 6 टाइम इंटीग्रल टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी, वन अपॉन टी प्लस वन का आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, टी क्यू प्लस वन के आप फैक्टर्स लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यूब लाइक ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, ये टी प्लस वन आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी और टी प्लस वन डी टी, चलो सिक्स एज इट इज, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन टी, ये हो जाएगा लॉग मोड वन प्लस टी और टी प्लस वन, पूरा इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी टी हमने हमारी जेब से रखा था
लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी वन मोर टाइम, टी आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/6, क्योंकि एक्स आपने लिया है टी टू द पावर 6, तो टी आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/6, 6 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2t³ - 3t² + 6t - 6 log mod t plus 1 plus c, t आपका x to the power 1/6, ये 6 x to the power 1/6 minus 6 log mod, या 6th root भी आप लिख सकते हो, 1/6² वो 1/3 हो जाएगा, राइट, उसे आप क्यूब रूट ऑफ x भी लिख सकते हो, और यहाँ पे x to the power 1/6 1/2 हो जाएगा x की पावर, जिसे आप रूट x भी लिख सकते हो। क्या ये क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना, क्या चीज क्लियर हुई? अरे इजंट इट नाइस क्वेश्चन, ऐसे वाले पूरे क्वेश्चंस की फौज है, मतलब ऐसे वाले पूरे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको इस मेथड से करना है। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। राइट, एनी नीड टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? एनी नीड टू, राइट, क्या वापस एक बार फॉर्मूला अभी लिखना है कि बाद में एक साथ लिखना है? अभी लिख दो, ये और ये अभी लिख दो, दो क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन 7 भी लिखने का टाइम नहीं दिया था ना मैंने, ये दिया था क्वेश्चन 7, तो रुको, ये क्वेश्चन 8, ठीक है, सी है। एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, एक और मेथड है, ठीक है, वो मैं याद करता हूँ, तब तक आप इसे लिख दो। और ये जो बाजू में मैंने लिखा है, दैट यू प्लीज राइट इन फॉर्मूला बुक, मैं फॉर्मूला बुक में भी इम्पोर्ट करता हूँ, पर पहले आप इतना लिखो ना। सी हियर स्टूडेंट्स, अब जो चीज हमने यहाँ पे समझी, राइट, उसको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन में हमने जो समझा, राइट, दैट वी आर गोइंग टू राइट इन फॉर्मूला बुक, कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो, इंटीग्रल या पर्टिकुलरली इंटीग्रेंड जिसे बोला जाता है, जिसमें आपके डिनोमिनेटर में x की पावर फ्रैक्शन में 1/p + 1/q + 1/m + 1/n, तो वो वाले केस में आपको x को समथिंग अनदर वेरिएबल t टू द पावर LCM ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स, अगर वो दोनों डिनोमिनेटर p और q है, तो उसका LCM, राइट, m और n है, तो उसका LCM आपको सब्स्टिट्यूट करना है। उससे दो फायदे होंगे, सबसे पहला रेडिकल पावर निकल जाएगी, 1/m 1/n निकल जाएगा, दूसरा dx में भी आपका काम हो जाएगा, राइट, दूसरा फिर यहाँ पे नेक्स्ट, ये हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, हर एक रैशनल फंक्शन के लिए, जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन होंगे, तो रैशनल फंक्शन में अगर न्यूमिरेटर में आपका जो पावर है, या न्यूमिरेटर की जो डिग्री है, वो डिनोमिनेटर की डिग्री जितनी हो या उससे ज्यादा हो, तो उसमें हम डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में सेट कर देंगे, अगर उससे कम हो तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमिरेटर में सेट करेंगे। अभी तक हमने ये टाइप वाले क्वेश्चंस किए हैं, ये टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ये मेन आपको जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब ये सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ये टाइप वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं, वो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, एक बार मैं आपको दिखा दूं, जैसे रेगुलर बुक में वेरी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, जहां पे आपके पॉलिनोमियल थे, नहीं नहीं ये किया था मेरे ख्याल से, शायद पॉलिनोमियल डिविजन वो हमने 1 में किया था, शायद 22.1, कहीं तो था, मुझे इतना तो याद है, आपके क्लास में किया था होमवर्क 6th क्वेश्चन, इसमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, हाँ ये रहा, राइट, तो जिसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, तो हमने 2x + 3 को ही न्यूमिरेटर में सेट किया था, डू यू रिमेंबर दिस, राइट, आप इसे पॉलिनोमियल डिवीजन से भी कर सकते हो, सिंपली यू कैन अप्लाई पॉलिनोमियल डिवीजन हियर, ये आप ही ने बोला था, राइट,
फ्रांजल, कि यहाँ पहले दो टर्म में से ये कॉमन निकल जाएगा, फिर यहाँ पे हम जुगाड़ करेंगे, ये जुगाड़ वाला शायद समर्थ ने बोला था, 12 + 10 मैंने लिखेंगे, बोला था। आपने बोला था पूरा, ठीक है, तो 2x + 3 कॉमन, यहाँ पे 4 एंड लाइक दैट। तो पॉलिनोमियल डिवीजन से जब 2x + 3 से उसको डिवाइड करते हो, ये आपको क्वेश्चन मिलता है और ये आपको रिमाइंडर मिलता है, राइट। सो दिस इज द थिंग, और अभिराम ने ये बोला था रिमाइंडर थियरम वाला। सो सिंपली जब भी आपके न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी, आप क्यू ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स में सेट कर दो, और जस्ट यू कैन यूज पॉलिनोमियल डिवीजन एज वेल। हाँ आर्यन, और यहाँ पे जब कम होगी तो उसका डिफरेंशियल, ऐसे वाले क्वेश्चंस अभी देखने बाकी हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली अभी हमने किया, उसमें हमने t^6 को x एज्यूम किया, बिकॉज हमारे पास x^2 और x^1/3 दिए गए हैं। सो जैसे t^6 को हम x लिख रहे हैं, ये रेडिकल पावर आपके यहाँ पे कैंसिल होकर t³ और t² आ जाता है, और यही आपका 6t^5 हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका t² कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 6t³/1 + t6 बाहर, t³ - 1/t + 1, t+1, t³ - 1/t+1, -1/t+1, t³ + 1, t+1। अब ये +1 - 1 हमने यहाँ पे किया, और सिंपली यू कैन यूज पॉलीनोमियल डिवीजन हियर एज वेल, t³ को t+1 से डिवाइड करो, बट डिवाइड डिवीजन यूज करने से अच्छा है जुगाड़ से आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है, बस दैट्स इट, फिर वहां से आपका हो जाएगा। सो इज इट क्लियर, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन क्लास एक्सरसाइज में हाँ यहाँ सर, पे आपका लेवल 2 इलेवेंथ खत्म होता वाला है, कौन बचा है सर, सा इलेवेंथ वाला? वाला बचा है, 10th और 9th हो गया। हाँ, अब लेवल 3 में 2 ऑलरेडी हम देख चुके थे बिकॉज सेम टाइप के थे, क्वेश्चन 11 अब देख लेते हैं। तो सिंपली एक्सपैंड करके दो टर्म करके हो जाएगा। दैट इज इजी, यहाँ पे इजी वाले क्वेश्चन ये वाली एक्सरसाइज में लेवल 3 में आपको दे दिए गए हैं। सर एक बार वो फॉर्मूला बुक का दिखा दीजिए, सेट पी ऑफ एक्स। हाँ यही लिखा है ना फॉर्मूला बुक में, ये वाला टेबल ही तो इधर लिखा है, ठीक। सर वही है। तो ये रेगुलर बुक में नहीं लिखा था आपने, ठीक नहीं सर भूल गया। है, डू इट क्विक। ओके हाँ, फिर उसमें कुछ आगे हुआ अभिराम? ओके लेट अस ट्राई दैट, t^(1/3 - x^(1/3 - 1)। ओके चलो, अभिराम ने यहाँ पे एक मेथड ट्राई की, लेट अस सी दैट मेथड। सो न्यूमिरेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, इज इक्वल टू इंटीग्रल, वन अपॉन x^(1/3 dx। नाउ अभिराम ने यहाँ पे x^(1/3 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं उसको फटाफट। अभिराम, x^(1/3 - x^(1/3 + 1, ठीक है, फिर इसके बाद और उसके बाद x³ को इस तरफ लिया और माइनस कॉमन लेके x^(x^(1/3 - 1) लिख दिया उसको। x^(1/3 - 1, अब इसका फायदा, कुछ डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल सेट हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब, इसके बाद आपने हाँ नेक्स्ट सर, एक कहाँ तक मिनट गए? सर, हाँ, सर एक्चुअली यहाँ पर मैंने थोड़ा देखने के लिए, थोड़ा ठीक लगने के लिए, यहाँ पे x³ को नहीं, x^(1/6) को ऐसे ही t समझ लिया था, बाद में जाके सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बिफोर इंटीग्रेशन करके। हाँ x^(1/6) को t लाइक दैट, सर, अभी के लिए, राइट, अभी के लिए। हाँ बट सर, और dx को चेंज नहीं किया, वो नहीं एज सर, वो इट बाद में इज, जाके उसको वापस t पर ठीक स्टिक है। पुट कर दूंगा, वैसे सो जाएगा। और ये dx एज इट इज, हाँ हाँ सर, है एग्जैक्टली, हुआ तो अभी है वो सेम ही, जो t^6 x को हम t^6 ले रहे हैं,
राइट। सर अभी यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कॉमन लेके टी स्क्वायर टी प्लस वन लिख दिया और उसके बाद टी स्क्वायर को अलग लिखा और इसको अलग लिख दिया बाकी चीजों को ऊपर न्यूमरेटर में। हाँ सर अभी यहाँ पे टी हाँ सर यहाँ पे एक कट गया और यहाँ पे इसको ऐसा आया राइट। हाँ सर ऐसे ही आया उसके बाद क्या करना है समझ नहीं आया। उसके बाद बस पहले ये dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा x t to the power 6 होगा। x को यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया क्या बोलते हैं। अच्छा तो अगर ऐसे ही डाला है तो मतलब t को वापस x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। t को वापस x में कन्वर्ट करना है सो t इज x टू द पावर 1/6 ये 1 अपॉन x टू द पावर 1/6 प्लस 1 माइनस ये x टू द पावर 1/6 1 अपॉन x टू द पावर 1/6 वो 1/3 हो जाएगा राइट। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा बट यहां पे अटक जाएंगे 1 अपॉन x टू द पावर 1/6 प्लस 1 राइट। हां सर फिर यहाँ पे वही नहीं तो t और dt वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा तब होगा। सर एक्चुअली विदाउट सब्स्टिट्यूशन करने का प्लान था मगर ऐसा ठीक है ये वाला काम आएगा हमें आगे। एक क्वेश्चन तो है ठीक है अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस इन क्लास एक्सरसाइज। इंटीग्रल साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स तो सिंपल है डिनोमिनेटर को दूर करना है तो साइन एक्स प्लस ए को हम पहले एक्सपांड कर देते हैं। x आपका यहाँ पे वेरिएबल है a कांस्टेंट हो जाएगा साइन x cos a प्लस cos x साइन a डिवाइड में आपके पास है साइन स्क्वायर x दोनों टर्म को दे देंगे। हाँ सर यहाँ पे cos a साइन a कांस्टेंट है तो यस कि cos a साइन a क्योंकि a कांस्टेंट है तो cos a साइन a भी आपका कांस्टेंट ही होगा राइट। नाइन्थ और टेंथ हो चुका है जितेंद्र लास्ट क्लास में ये कैंसिल 1 अपॉन साइन आपका हो जाएगा cos x * cos a प्लस कॉस बाय साइन आपका हो जाएगा कॉट 1 बाय साइन आपका हो जाएगा कॉसेक नो प्रॉब्लम जितेंद्र। चलो अब जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे पहले टर्म में से कॉस ए कॉमन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉसेक एक्स का होता है लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हाँ है ना प्लस यहाँ पे आपका साइन ए कॉमन इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स का टेन एक्स इसका आपका होगा सॉरी सेक माइनस माइनस कॉसेक एक्स सेक एक्स हाँ इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स तो इसका कॉसेक एक्स एंड इंटीग्रेशन में आंसर में जैसे सी आता है वहां पे माइनस सी सो दिस इज कॉस ए लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस साइन ए कोसेक एक्स प्लस ठीक है क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ आपके इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपको होमवर्क में दूसरे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप घर से ट्राई करो होमवर्क में जितने हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 1-7 दिए थे ना राइट। तो क्वेश्चन 8-17 ज्यादा है सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं बनेंगे राइट। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे
वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 8 to 7 के, चलो यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ या ना? अब अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो 22.1 में सब्स्टिट्यूशन की और कुछ फॉर्मूले दी गई हैं, सॉरी 22.2, वो हम देखते हैं, उनको समझते हैं। उसमें से मेजोरिटी ऑफ द चीजें आपको 22.3 में ही काम आने वाली है, 22.3 में, इसके अलावा भी हमें पढ़ना है, देखते हैं वन बाई वन। अब जो आपके मॉड्यूल में पहले दिया गया है एक टेबल में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो उसको हम फटाफट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हाँ, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपको उसी मेथड से आइडेंटिफाई करना है जो मैंने आपको बोला था, जिसका डिफरेंशियल dx के बगल में होगा उसको आपको लेना है t, राइट? जिसका डिफरेंशियल dx के बगल में होगा उसको आपको लेना है t। जैसे sin x square plus 1 है और dx के बगल में 2x, तो 2x किसका इंटीग्रल है? टेल मी एवरीवन। तो यहां पे एक्चुअली सेकंड वाला ऑलरेडी किया हुआ लग रहा है, कि सिमिलर वाला किया। हां हां, तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं और ये हमें ऑलरेडी पता है, बस वो हम देख रहे हैं। तो जैसे x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल होता है 2x, वो dx के बगल में, सो कैन आई टेक x स्क्वायर प्लस 1 as t? आया ना? हाँ, जितेंद्र वेट में लिखने का टाइम दूंगा, लिखने का टाइम सबको मिलेगा एवरीवन। ये पता चल रहा है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, बी रिस्पॉन्सिव एवरीवन। अनघा, अमिश, अभिराम, अभिराम तो बोल ही रहा है, मानसी, मीत, रिया, सिद्धार्थ, श्रीहरि, राइट? साइन ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो आपके dx के बगल में है। सो वी हैव टेकन tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, वहां पे e की पावर में था tan इनवर्स x, जो क्वेश्चन में हम कर रहे थे। log x होल स्क्वायर 1 अपॉन x dx, तो हमें पता है कि log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब dx, राइट? अब यहां पे आप देख सकते हो कि 3x क्यूब है, यहां पे x स्क्वायर है, डेफिनेटली x क्यूब के डिफरेंशियल में x स्क्वायर आ जाएगा। sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x dx, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशियल ही आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। बोलो, ये आसान है? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जो आपको दिए गए हैं उसमें आपको सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट एग्जैक्टली इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो मैं आपको समझाता हूँ अलग से, जो आपको सेकंड बी ऑप्शन दिया गया है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसकी फॉर्मूला भी आएगी। हाँ, मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा। हाँ, मतलब ऐसे इंटीग्रल होंगे आपके पास जिसमें अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, पहले उसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। समझते हैं, समझो। जैसे आप मुझे ये बताओ, अगर इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, क्या इसकी कोई फॉर्मूला है हमारे पास? Do we have any formula? 1 by a tan inverse x by a plus। हाँ, अब अगर यही सेम चीज आपको स्क्वायर रूट में मिल गई तो हम अटक जाएंगे। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx है ना? ना ही सिर्फ स्क्वायर रूट, राइट? मान लो कुछ ऐसा भी हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, या न्यूमिरेटर में ही दे दे -3/2, एनी रेडिकल पावर, राइट? वहां पे मटक जाएंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मेन नेम ये है कि ऐसे वाले जितने भी फॉर्मेट हैं उनको आप एक ही टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाई टेकिंग फॉर दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म होंगे, वहां पे अगर आप x इज इक्वल टू a tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हो, समझ लो, इज योर फॉर्म, इज योर सब्स्टिट्यूशन, तो उसका फायदा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक के साथ समझना है,
पर्टिकुलरली ये फॉर्म आपका डिनोमिनेटर में होगा जनरली, राइट, एंड ये फॉर्म के ऊपर पावर होगी रेडिकल वाली. रेडिकल वाली पावर मीन्स उसमें सारी पावर इंक्लूड होती है, बट मैं फ्रेंकली बताऊं तो 1/2, 3/2 ऐसी वाली पावर होंगी जिसका डिनोमिनेटर 2 हो, ताकि स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाए. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. अब समझना, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू a tan थीटा को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप x इज इक्वल टू a tan थीटा को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, टेल मी. योर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 1/√ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर. एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? डिनोमिनेटर में और ऊपर जो dx है, अगर x इज इक्वल टू a tan थीटा आपने सब्सटीट्यूट किया है, x का डिफरेंशिएशन होता है dx, ये एज इट इज. tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा और नॉट, राइट, और थीटा का d थीटा. सो कैन आई से न्यूमिरेटर आपका हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा. स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर. जाग रहे हो? राइट, ग्रेट. चलो अब डिनोमिनेटर में पहले भी बचा चुके हो सर. हां, ये किस में बताया था? कहीं एडवांस में बताया था. हाँ, एडवांस था. हाँ सर, ऑफलाइन में बताया था. ऑफलाइन में सेंगेज में कहीं में कुछ तो कर रहे थे, और तब मैंने बोला था कि ये सेम चीज काम आएगी जब हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं. वो M17 था, M18 था, वो मुझे याद नहीं है कौन सा वाला चैप्टर था. इनवर्स में था सर. इनवर्स में था, M18 वाला होगा, राइट. तो डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे बताए थे आप वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तब से, थोड़ा उसी टाइम से. यस, जो KVPY के लिए आप कर रहे थे तब. ए स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा अंदर 1+10² 1+10² हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर आपका हो जाएगा मोड ए sec थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. और न्यूमिरेटर में आपके पास ए sec स्क्वायर थीटा, राइट, ए और मोड ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस आएगा, सेम sec स्क्वायर मोड sec थीटा. अब वो मोड sec आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस हिसाब से इंटीग्रल मोड sec थीटा आएगा, फिर आप उसका कर सकते हो इंटीग्रेशन. हाँ या ना? टेल मी, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से अब इंटीग्रेशन करना आ गया, या अभी मोड को इग्नोर करो अभी के लिए? ये मान लो कि यहाँ पे ए भी पॉजिटिव है, sec थीटा भी पॉजिटिव है, ए कैंसिल हो जाएगा sec स्क्वायर / sec इंटीग्रल sec थीटा. अब आप इंटीग्रल sec थीटा के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, log mod sec plus tan. तो सब्स्टिट्यूशन से आपका काम कितना आसान हो गया. ऐसे क्वेश्चन जो देखने में बहुत अजीब लग रहे थे, अभी वो आसान हो गए. हाँ या ना? अब इसी वाले में आपका डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 1/, जैसे ए स्क्वायर sec स्क्वायर का वो कैंसिल, ए क्यूब sec क्यूब थीटा हो जाएगा. न्यूमिरेटर में आपके पास है ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा. ए स्क्वायर हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है बाहर, ये 1/sec cos थीटा हो जाएगा, एंड cos का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो. बोलो आसान है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? 1/x² + a² x इज इक्वल टू a tan थीटा, राइट. तो ऐसे फॉर्म के लिए आपको सारे सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं, एंड सब्स्टिट्यूशन का मेन एम ये है कि उसका फॉर्म रिड्यूस किया जाए. जैसे यहाँ पे x² + a² था, तो 1+10² sec² होता है, इसलिए मैंने a tan थीटा लिया. इसी जगह पे अगर आप x इक्वल टू a cot थीटा लोगे तो भी काम करेगा, 1+cot² = cosec² होगा. हाँ या ना? बट जनरली हम tan थीटा वाले ही फॉलो करने वाले हैं. जितने जितने अवेलेबल ऑप्शन है मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ. क्यों cot थीटा वाला यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि गलती के चांसेस ज्यादा है. cot का डिफरेंशियल आपका -cosec² होता है, जबकि tan का सिर्फ sec स्क्वायर होता है. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? स्टूडेंट्स जाग रहे हो ना? जल्दी जल्दी प्लीज. हाँ, रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा कि जा रहा है कि नहीं. सिमिलरली यस, अब मान लो यहाँ पे 1/x² - a² है. बोलो क्या लेना ठीक रहेगा, किसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वो कन्वर्ट हो जाए? मान लो कि ए स्क्वायर साइन थीटा या कॉस थीटा. नहीं, अब समझो, साइन थीटा लूंगा तो वो साइन स्क्वायर -1 होगा या कॉस स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस ए साइन, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 - sin² 1 - cos² वो हो सकता है. हाँ या ना एवरीवन? राइट. या फिर अगर माइनस कॉमन नहीं लेना है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए sec थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर sec स्क्वायर रखोगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 दैट विल बी 10² थीटा. हाँ या ना? Because 1+10² = sec² sec square -1 will be 10² और x is equal to a cosec theta, right? दूसरा, अब जैसे sin cos वाला सोच रहे थे 1/a² - x², यहाँ पे आपका x is equal to a sin theta हम रख सकते हैं, या x is equal to a cosec theta रख सकते हैं, cos theta रख सकते हैं, because 1 - sin² will be cos² और वहां पे ऊपर उसका differentiation हो जाएगा, sin का differentiation cos. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना?
चलो अब अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब यही सेम चीज आपकी समझना, सिर्फ वो ठीक है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी के लिए ए स्क्वायर ही ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी कोई फॉर्मूला आपको याद है? वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, टू थीटा फॉर्म में, कॉस टू थीटा, नहीं याद है? राइट, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर बाई वन प्लस टी स्क्वायर, साइन टू थीटा टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, and tan 2 theta was 2 tan theta upon 1 minus t square, right? चलो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहीं पे हम आपका योग वियोग करते थे। ये योग वियोग बाबा रामदेव जी का कोई अनुलोम वियोम प्राणायाम नहीं है, बट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो यहाँ से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में आपकी ये फॉर्मूला भी हो जाती थी, 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta is equal to tan square theta, यहीं से आपका आता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? राइट, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वाले क्वेश्चन में कॉस टू थीटा बाय वन माइनस कॉस टू थीटा होता था, जैसे देख लेते हैं। तो कॉस टू थीटा बाय वन है, अगर मैं यहाँ पे कॉस टू थीटा माइनस वन अपॉन कॉस टू थीटा प्लस वन करता हूँ, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, वो टू हो जाएगा, एंड यहाँ आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में वन माइनस टी स्क्वायर, ऊपर माइनस नहीं, ऊपर माइनस किया ना मैंने, माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर, ऊपर माइनस किया वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, नीचे प्लस वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, सो माइनस टू टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर आपको मिल जाएगा वन माइनस कॉस बाई वन प्लस को, सेम ही आएगा। राइट, यहाँ पे ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो आपका फॉर्मेट है वो एज इट इज रहेगा, वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर कॉस टू थीटा, फॉर्मेट में टेन स्क्वायर की जगह कॉस रख दोगे तो कॉस की जगह टेन स्क्वायर चला जाएगा, दैट्स इट। राइट, अब यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, समझना, अगर मुझे ये स्क्वायर रूट दूर करना है, स्क्वायर रूट दूर करना है तो आउटपुट स्क्वायर में आना चाहिए, आउटपुट स्क्वायर में आना चाहिए, तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा, x is equal to, यहाँ पे x square है, तो x square is equal to a square cos 2 theta, अगर सिर्फ x दिया गया है, समझना, अगर सिर्फ x दिया गया है, a minus x by a plus x, तो वो substitution हो जाएगा x equal to a cos 2 theta, are you getting my point everyone, हाँ या ना, 1 minus cos by 1 plus cos, okay, इसके अलावा और दूसरी प्रोसीजर भी है, यहाँ पे a minus x की जगह x minus a दिया हो, बट फिर वो ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए इतना रखते हैं। क्या यहाँ तक के substitution पता चले everyone? स्टूडेंट्स हाँ या ना? और भी हमें देखने हैं बट अभी के लिए पहले इतने। सर नाउ ओपन योर रेगुलर बुक फर्स्ट, पहले रेगुलर बुक में वो वाला क्वेश्चन खत्म कर दो, फिर फॉर्मूला बुक में ये खत्म कर दो। मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस। नहीं, ये 21.1 पे आ गए, 22.1।